Our dynamic equilibrium is disturbed by changing the conditions the position of equilibrium the position of equilibrium moves to counteract moves to counteract the change. बेटा पहले इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे जी इसकी एक्सप्लेनेशन पर फर्दर। बेटा देखें आपका रिएक्शन जब डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आता है ना, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अब कोई चेंज नहीं हो रही ना रिएक्टेंट में और ना प्रोडक्ट में। जितना प्रोडक्ट बनना था बन चुका है, जितना रिएक्टेंट यूज होना था हो चुका है, फर्दर चेंजिंग नहीं आ रही। लेकिन अगर आप उस डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें बाय चेंजिंग दी कंडीशन, कंडीशन चेंज करने का मतलब ये है कि आप उस डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन चेंज कर दें, आप उसका प्रेशर चेंज कर दें या टेम्परेचर चेंज कर दें। इसको वो कह रहा है चेंजिंग दी कंडीशन। तो कह रहा है कि जब भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन चेंज करेंगे तो जो रिएक्शन होगा ना वो उस चेंज को अपोज करेगा और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू काउंटर एक्ट दैट चेंज। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इस तरीके से मूव करेगा या रिएक्शन ऐसे मूव करेगा कि वो उस चेंज को अपोज करेगा, और उस चेंज को अपोज करने के लिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल अल्फाज में, फिर आपको ये बता दूँ कि आप जब भी किसी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो वो रिएक्शन उस डिस्टरबेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम इसकी वन बाय वन इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे, फिर प्रेशर को, और इसी तरह कंसेंट्रेशन को। तो हमारे पास बेटा जो रिएक्शन है इसमें मैं लिखता हूँ जी, 1 मोल ऑफ ए, इट रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ बी एंड इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। ये जी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है जिसमें ये चार चीज़ें हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, और रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, राइट। अब मैं यहाँ क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, व्हाट वुड हैपन। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग साथ साथ लिखेंगे कि व्हाट वुड हैपन इफ इफ यू चेंज्ड द कंडीशन बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। CONC स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ ए। बट क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर ए की अमाउंट बढ़ा दें तो क्या होगा जी, रिएक्शन क्या करेगा। रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मीनिंग मोर सी मोर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्स बिल्कुल ठीक है बेटा, सी इसका एंड मतलब है डी विल बी कि फॉर्म मोर। ओ लेवल्स की कुछ चीजें आपको याद हैं। अच्छा मैं आपको अभी जो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, ये आपकी मार्किंग स्कीम का आंसर नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है आपके समझने के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये कहा है कि कंसेंट्रेशन मैंने ए की इंक्रीज की तो क्या होगा। अब आप जरा लिशैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ लें। लिशैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है जी, कि आप जो भी कंडीशन चेंज करेंगे ना, सपोज मैंने ए की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज किया, तो अकॉर्डिंग टू लिशैटलियर प्रिंसिपल अब ये जो रिएक्शन है ये इस चेंज को काउंटर एक्ट करेगा, इस चेंज को अपोज करेगा। किस चेंज को, ये जो मैंने ए को इंक्रीज किया है इस चेंज को अपोज करेगा। तो आप जरा इसके नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन भी लिख लें, मैं ब्लू कलर से एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं इसकी, ये आप साथ साथ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लिशैटलियर्स प्रिंसिपल द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है बेटा, तो आप लोगों की क्लास में ये बहुत मसला आता है, पता नहीं क्या मसला है ये। वेट अ जी मिनट, सर लेकिन बात आ रही है। वेट अ मिनट जी।
मिनट की होती है, ज्यादा देर के लिए नहीं। चलो मैंने इसको दोबारा शेयर कर रहा हूँ बेटा, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। बेटा अब देखिएगा नजर आ रही है, जी बेटा चेक कीजिएगा नजर आ रही है जिस स्क्रीन तरह में, बारी नजर ठीक ये है। अब जरा बेटा इसको लिखिएगा, फिर मैं इसको इसको सर एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। देखिए मैंने ये लिखा है अभी तक कि अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच अ वे एज टू काउंटरैक्ट द चेंज। अब आपने जो ए की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है ना बेटा, तो रिएक्शन ने अब ऐसी डायरेक्शन में मूव करना है कि इस ए की कंसेंट्रेशन को कम किया जा सके जी, ठीक है। इस ए की कंसेंट्रेशन को अब कम करना है, तो कैसे कम करेगा, अब मैं ये लिख रहा हूं कि दैट मीन्स दैट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव सो दैट कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस अगेन। बेटा देखें मैंने चेंज क्या किया है, मैंने बेटा मैंने चेंज ये किया कि मैंने ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया, ठीक है, इस ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, और ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो चेंज करेंगे रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगा। तो बेटा अगर मैंने इस ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया है तो रिएक्शन इसको अपोज कैसे करेगा, रिएक्शन इस ए की कंसेंट्रेशन को दोबारा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। क्या यही बात करेगा या नहीं बेटा, मुझे ये बताएं, क्या पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ऐसे डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा ताकि ए की कंसेंट्रेशन को दोबारा कम किया जा सके जी सर, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल यही कह रहा है ना कि आप जो चेंज लेकर आएंगे रिएक्शन उस चेंज को अपोज करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, उसको काउंटरैक्ट करेगा। अगर आपने बेटा ए आपकी बढ़ाया आवाज है, कटती है। बेटा एक मिनट मुझे अपना नेट स्विच कर लेने दे, वेट अ मिनट, ताकि ये वेट मैं अपने नेट को स्विच कर रहा हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा मत, इसको मैं हेलो बेटा देखें आवाज़ अभी, हेलो अब आ रही आवाज। मैं इसको ज़रा एक नेट को स्विच करता हूँ बेटा, फिर देखिएगा ज़रा कैसी है अभी आवाज़। जी बेटा अब चेक कीजिएगा, हेलो आ रही है सर, ठीक है। बेटा अभी तक मैंने ये बात बताई है कि अगर मैं इस ए की कंसेंट्रेशन को बेटा बढ़ाता हूँ ना रिएक्शन मिक्सचर में, तो रिएक्शन क्या करेगा, इस ए की कंसेंट्रेशन को दोबारा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो मुझे क्यों कोई बता सकता है आप में से कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा तो ए की कंसेंट्रेशन कम होगी। जी बेटा रिएक्शन को किस, यस फॉरवर्ड तो मैं आगे लिख देता हूँ, मैं आगे लिख देता हूँ, रिएक्शन। यस बेटा मैं आगे लिख देता हूँ, बाय रिएक्टिंग ए, बाय रिएक्टिंग एट विद बी, कि अगर ये बी से रिएक्शन करेगा एंड टर्निंग एट इंटू सी एन डी, तो डेफिनेटली फिर क्या बनेगा, सी ओ डी आपके पास ज्यादा बनेगा जी, टर्निंग एट इंटू सी एन डी। तो यहां पर रिजल्ट ये निकलेगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट, जो रिजल्ट बेटा निकलेगा वो ये है के जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड पर जाएगा, पोजीशन ऑफ वैसे इक्विलिब्रियम। सर जी बेटा क्या कह रहे हो, अगर ये राइट की तरफ मूव करेगा तो सर ए की कंसेंट्रेशन तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सर बी की कम नहीं हो जाएगी।
तो ठीक है ना बेटा, कम होगी ना, वो बिल्कुल फीचर्स तो मालदा रहेंगे। बिल्कुल कम होगी, लेकिन आपने रिएक्शन को दोबारा इक्विलिब्रियम पर लेकर आना है। तो अगर दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है बी की कंसेंट्रेशन को कम करके, तो ठीक है, बी की तो कम होगी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये तो एक टेक्निक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो बड़ी यूजफुल टेक्निक है। भला कैसे बेटा, आप एक रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन के, आपको पता है ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते भाई, ये बात पता है ना बेटा। जी सर, अच्छा अब ये हम सपोज कर, मीन्स बेटा हम ये सपोज करते हैं जो बी है ना, ये बड़ा एक्सपेंसिव मेटल है, बी बड़ा एक्सपेंसिव मेटल है जी, तो आप बी ज्यादा डाल भी नहीं सकते, और मसला ये है कि बी सारा यूज भी नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे। और ए बहुत चीप मेटल है, ए बहुत चीप है, मेटल नहीं है बस, कोई भी आप इसको कह देंगे कोई रिएक्टेंट है, बड़ा चीप है। तो अब आप बेटा मुझे ये बताएं कि आप बी को मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं, आप क्या टेक्निक यूज करेंगे कि बी मैक्सिमम यूज हो जाए। बी कंसंट्रेशन ए इंक्रीज जो था कर डाल देंगे। देंगे, नहीं अगर बेटा बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज ए करेंगे, मिनिमम कंसंट्रेशन, बी तो अनरिएक्टेड रहता है ना बेटा, क्योंकि जो दोनों अनरिएक्टेड रहेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बी जो है ना मैक्सिमम यूज हो और मिनिमम अनरिएक्टेड फॉर्म में रहे, मिनिमम। तो मुझे क्या करना चाहिए। सर आप ऐसा सुनिए सुनिए, सबसे पहले आप पहले बताएं सर, ये अगर सर अगर मेटल्स हैं तो यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो नहीं नहीं सर मेटल अवर नहीं है तो बेटा, अप्लाई नहीं मेटल होगा नहीं सर। है, आप कह दें कि बस ये बड़ा एक्सपेंसिव कोई रिएक्टेंट है, आप ये कह दें ना। प्रेशर को तो हम वैसे स्टडी भी नहीं कर रहे, भी हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, बी बड़ा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है। अगर आप और कंसंट्रेशन ऑफ सुनिए, आप कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इसको अपोज करने के लिए सी और टी की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं तो ना भाई देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ए। आप जो कह रहे हो ना कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो भाई वो तो बड़ा एक्सपेंसिव है, हमने तो इस एक्सपेंसिव चीज को हम नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए की कंसंट्रेशन इनकी बढ़ाएंगे बेटा। कंसंट्रेशन अगर हम ए की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये एक इनकी जी, तो बेटा ए जो है ना चीप है, ए चीप है, और जब आप ए की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ए मैक्सिमम बी को यूटिलाइज करेगा, मैक्सिमम बी के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास सी ओ डी बनता जाएगा। तो इस ये टेक्निक आप मोस्टली वहीं पर यूज करती हैं कि दो रिएक्टेंट्स को आपने मिक्स किया और प्रोडक्ट आपका बन गया, लेकिन आपको पता है रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और एक रिएक्टेंट उसमें बड़ा महंगा है, दूसरा थोड़ा चीप है, तो जो चीप वाला होगा आप ज़्यादा डाल देंगे। चीप वाला रिएक्टेंट ज़्यादा डालने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपका एक्सपेंसिव मेटल है वो मैक्सिमम रिएक्ट करेगा फिर ए के साथ। बड़े ये समझ आई ये बात आपको जो मैंने बताई है अभी। जी सर। हाँ तो बेटा अब यहाँ पर मैं इसका बता देता हूँ फिर, कि जब आपने ए की कंसेंट्रेशन बढ़ाई तो क्या हुआ, मैं एरो लगा के बताता हूँ। जब आप ए की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो होगा ये कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, एरो की डायरेक्शन बेटा, और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट, मूव्स टू द राइट इफ यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए, इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जी बेटा देखें, मैं इसको एक दफा फिर एक्सप्लेन करता हूं ताकि मैं फिर आगे नेक्स्ट उस पर जाऊं। मैंने बेटा ये कहा था आपको लिशेटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर, कि लिशेटलियर्स प्रिंसिपल ने ये कहा कि अगर आप किसी डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, तो वो रिएक्शन मिक्सचर उस चेंज को अपोज करेगा, और रिएक्शन मिक्सचर कोशिश करेगा ये जो आप चेंज लेकर आए हैं इसको कम से कम किया जाए, इसके इफेक्ट को। तो अब क्वेश्चन मैंने ये लिखा यहाँ पर कि आपके पास एक रिएक्शन था ए बी एंड इट गिव सी एंड डी, और आपने क्या किया जी, आपने ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन है। तो जब ए की कंसंट्रेशन बेटा आप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की कोशिश ये होगी कि इस इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन को दोबारा डिक्रीज किया जा सके, जो ए आपने बढ़ा दिया है ना इसको अब कम किया जा सके। तो जाहिर बात है ए को कम कैसे किया जा सकता है, उसी सूरत में कम किया जा सकता है कि अगर बी इसके साथ रिएक्शन करे, तब ही ए की कंसंट्रेशन कम होगी। तो
ए की कंसेंट्रेशन को आप दोबारा कम करने के लिए क्या करेगा, बी इसके साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास ज्यादा सी और डी बन जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पर बेटा जो एरो डाला है नीचे इस रिएक्शन के, उसमें लिख दिया कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट इफ यू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर मार्किंग स्कीम। ये आपकी मार्किंग स्कीम का आंसर होगा बेटा। बेटा क्लियर है, आगे चलूं? जी बेटा इंक्रीज किया रिएक्शन मिक्सचर में। अच्छा अब बेटा रिएक्शन मिक्सचर क्या चाहता है कि दोबारा ए की कंसेंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए, राइट, अकॉर्डिंग टू शैटलियर्स प्रिंसिपल। तो बेटा ए की कंसेंट्रेशन कैसे कम हो सकती है, मुझे ये बताएं, ए की कंसेंट्रेशन कैसे कम हो सकती है, ए अगर किससे रिएक्शन करेगा तो ए की कंसेंट्रेशन कम होगी। तो बी इंक्रीज कर देंगे? नहीं, बी इंक्रीज नहीं करेंगे बेटा, बी इंक्रीज नहीं करेंगे। बी जो रिएक्शन मिक्सचर में होगा ना पहले से, वो ही बी यूज करेगा इस ए को, कि जो आपने जो इंक्रीज कंसेंट्रेशन की है ए की, उस कंसेंट्रेशन को दोबारा डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन मिक्सचर में जो बी होगा वो बी इस इंक्रीज ए के साथ रिएक्शन करेगा और आपके पास क्या बनेगा, सी और डी। बी तो बेटा ऑलरेडी पहले है ना रिएक्शन मिक्सचर में या नहीं, मुझे ये बताएं, बी पहले से है रिएक्शन मिक्सचर में या नहीं है बेटा? बिल्कुल है, बिल्कुल है बेटा। तो ये बी क्या करेगा, इस इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ ए के साथ रिएक्शन करेगा और सी और डी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा मैं इसी का वाइस वर्सा करता हूं और देखिएगा कि उसमें क्या हो रहा है। यही रिएक्शन मैं लिख रहा हूं जी, फिर यही रिएक्शन मैं फिर लिख रहा हूं, ए ए प्लस टू मोल्स ऑफ बी इट गिव्स सी प्लस डी। और बेटा इस दफा मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ यू चेंज्ड द कंडीशन बाय डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ये देखें जी, इस दफा मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब लास्ट टाइम मैंने कंसेंट्रेशन ए की इंक्रीज की थी और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया था, इस दफा मैं इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा ए की कंसेंट्रेशन को कम करके। जी पहले तो मुझे आप लोग आंसर दें, मैं देखना चाहता हूं कि आपको पहले पता है या नहीं, वैसे पता होना चाहिए सबको, क्या होगा जी अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन कम कर दूं? बिल्कुल ठीक है बेटा। अब मैं इसको बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों ने आंसर ठीक दिया है लेकिन एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा क्यों है, अकॉर्डिंग टू शैटलियर्स प्रिंसिपल। सर क्या एग्जाम में वो हमसे मांगेगा कि हम शैटलियर प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन दें? नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन तो बेटा आपके समझने के लिए, एग्जाम में वही वर्डिंग आपने यूज करनी है जो आप ओ लेवल्स में यूज करते आए हैं। सिर्फ क्या फर्क है, इस दफा एक नई चीज जो आपने सीखी है वो शैटलियर्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, बस बाकी कोई चीज नहीं है बेटा, नई चीज, बाकी सारी वही चीजें हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन चले फिर सुन लेना, आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। के अब मैं फिर लिखता हूं यहां पर बेटा, अकॉर्डिंग टू शैटलियर्स प्रिंसिपल the position of equilibrium देखिए मैंने क्या किया है जी, ये भी ध्यान में रखें। मैंने ना पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ए की कंसेंट्रेशन को कम कर दिया है बेटा, ए की कंसेंट्रेशन मैंने कम किया है इस दफा, तो अब रिएक्शन इस चेंज को अपोज करेगा। बेटा अपोज कैसे करेगा, कि जितना मैंने ए की कंसेंट्रेशन को कम किया है रिएक्शन मिक्सचर उतना ए मजीद बनाएगा।
बेटा यही बात होगी या नहीं, मुझे ये बताएं। अपोज ऐसी होगा ना कि जितनी ए की कंसेंट्रेशन मैंने कम की है, रिएक्शन कोशिश करेगा उतना ए मजीद बनाए, तो ए बनाने के लिए रिएक्शन को किस साइड पर मूव करना होगा भाई ताकि मजीद ए बने? बैकवर्ड। यस बेटा, बैकवर्ड का वर्ड ना यूज कीजिएगा यहां पर। यहां पे आपने वर्ड यूज करना है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो मैं यहां लिख रहा हूं अब कि पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव। बेटा कोशिश करेंगे एक्सप्लेनेशन लिख लें, ये आपको हेल्प आई देगी जब आप रिवीजन करेंगे। सो दैट द कंसेंट्रेशन, सी ओ एन सी स्टैंड फॉर कंसेंट्रेशन, सो दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज अगेन, ठीक है जी, ताकि ए की कंसेंट्रेशन को दोबारा इंक्रीज किया जा सके। तो अब वो कैसे इंक्रीज होगा ए की कंसेंट्रेशन, तो उसके लिए आप बताएंगे दैट मीन्स दैट मोर सी एंड डी विल रिएक्ट टू रिप्लेस द ए। That has been removed, ठीक है जी, ये आपका explanation है कि बेटा इस A को मजीद increase करने के लिए, क्योंकि आपने इसको decrease कर दिया था, तो C और D आप इसमें reaction करके इस A को मजीद increase करेंगे। तो अब इसकी जो summary है वो ये है, summary इसकी ये होगी कि A plus 2 moles of B था और इसमें C plus D था, और आपने जब A की concentration को कम किया तो मैं बेटा ये arrow इस side पर अब डाल रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूं द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपका मार्किंग स्कीम का आंसर है जी, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू द लेफ्ट इफ यू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जी बेटा, अब हम ये आप लिख लें, और मेरा ख्याल है कि मुझे अब आगे चलना चाहिए सेकंड फैक्टर की तरफ, दैट इज द प्रेशर। ये क्लियर है बेटा सबको? सर ये तो क्लियर है, अलबत्ता सर आपकी स्क्रीन स्टक कर रही है। स्क्रीन स्टक कर रही है, क्या मसला आ रहा है? एक मिनट बेटा, स्क्रीन जो ही स्ट्रक करे तो आप मुझे फौरन, सर अब सही है, अब सही है, अब सही है। अच्छा, मुझे फौरन बताया करें ताकि मैं, ठीक है, मुझे फौरन बताया करें ताकि मैं उस टाइम उसका कोई हल निकालूं। अच्छा बेटा, इसको नोट कर लें जल्दी से ताकि मैं फिर सेकंड फैक्टर की तरफ आऊं, जो कि है प्रेशर जी। डन जी, हो गया, न्यू पेज ओपन कर लूं? यस सर। ओके, ठीक है जी। सर आपने एक क्लास रिकॉर्ड की हुई है क्या? जी बेटा, कर रहा हूं मैं, इसको भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, वैसे ये की हुई है रिकॉर्ड। अच्छा जी, अब मैं यहां पर हेडिंग दे रहा हूं यूजिंग, मैं आपको ये बेटा रिकमेंड करूंगा कि इसको लाजमी लिख लीजिएगा, यूजिंग ली शैटलियर्स प्रिंसिपल विद अ चेंज ऑफ प्रेशर, विद अ चेंज ऑफ प्रेशर। बेटा ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर, इसके लिए जेहन में रखें कि ये सिर्फ गैसेस वाले रिएक्शन पर अप्लाई होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिस ओनली अप्लाइज to reaction involving gases. ये बेटा सिर्फ और सिर्फ gases पर involve apply करेगा pressure का factor, ठीक है, liquids और solid पर नहीं करेगा। तो pressure का effect बेटा हम study करते हैं, लेकिन पहले मुझे एक चीज बताएं, वो ये कि बेटा pressure का ताल्लुक किस चीज से होता है, कब प्रेशर बढ़ता है गैसेस का और कब प्रेशर कम होता है, ये मुझे बताएं जी। सर वॉल्यूम से ताल्लुक होता है, वॉल्यूम जब इंक्रीज वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होता है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम होता है प्रेशर हाई होता है, ठीक है जी। अब मुझे कुलियन का भी जरा बताएं बेटा कि प्रेशर जो है ये आप किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया? जी सर, मतलब जितनी ज्यादा कुलियन होगी आप कह सकते हैं ना कि उतना ज्यादा प्रेशर है, राइट? Yes, sir. और दूसरी बात बेटा, आप ये भी कह सकते हैं या नहीं
कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, और बेटा एक और कंटेनर है और सेम साइज के हम रखते हैं, और इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स बेटा कम है, इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, तो आपके ख्याल में ये कंटेनर ए और कंटेनर बी कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा? बी में, क्योंकि इसका रिजल्ट ये निकला कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, जहां मॉलिक्यूल्स कम होंगे सेम वॉल्यूम के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर जहां मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां ज्यादा प्रेशर होगा, राइट? तो मैं इस रिजल्ट को यहां लिख लेता हूं ताकि फिर आप लोग जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फैक्टर को, तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख के बात कर रहे हैं कि मोर मॉलिक्यूल्स का मतलब है मोर या हाई प्रेशर। क्यों ऐसे, इसकी रीजन क्या है भाई कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर किसी वॉल्यूम में होंगे सेम वॉल्यूम में तो उसका प्रेशर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कुलियन होगी, कोलिजन्स यस, बिटवीन द ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुलियन एंड होगी, बॉल्स। ठीक है जी। और अगर लेस मॉलिक्यूल्स होंगे सेम वॉल्यूम में तो आप कहेंगे कि वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। ये मैं साइड पर की लिख रहा हूं ताकि फिर आपको बाद में मसला ना हो। अच्छा बेटा, अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं जी, कि पहले मैं ऊपर इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन वही है, ये आपके पास 1 मोल ऑफ ए गैस, 2 मोल ऑफ बी गैस, ये आप इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सी गैस एंड 1 मोल ऑफ डी गैस, ये आपके पास बेटा यहां पर बन रहा है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड हैपन इफ यू चेंज द कंडीशन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग दी प्रेशर। बेटा टेम्परेचर का फैक्टर हम कल ही पढ़ेंगे, आज मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इस प्रेशर के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। मुझे पता है ओ लेवल्स में आपने पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस ये जो है ना बच्चों को इसकी प्रॉपर रीजन पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं इसको जरा डिटेल से आपको बताऊंगा अभी कि ये क्या होने जा रहा है जी। अच्छा आप मुझे ये बताएं जी, अब अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, सिर्फ आपने मुझे आंसर देना है इसमें ये कि जब मैं इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर, बेटा ये जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें कितनी चीजें हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं जी, तो क्या ये रिएक्शन मिक्सचर अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल इस इंक्रीज प्रेशर को अपोज करेगा या नहीं करेगा? करेगा करेगा करेगा। सर, और रिएक्शन मिक्सचर की कोशिश क्या ये होगी? होता था ना कि जिधर सर जी ये जी होता था ना, जिधर ज्यादा मोल्स होते थे उसके ऑपोजिट रिएक्शन शिफ्ट होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी उस पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन मिक्सचर की कोशिश क्या होगी कि ये जो प्रेशर इंक्रीज किया है इसको दोबारा क्या किया जा सके जी? इसको यानी कि नॉर्मल वापस लेके आ यस, सके, इसको यानी वापस डिक्रीज किया जा सके, इक्वेशन। मतलब इसको डिक्रीज किया जा सके ना, या नहीं? यस सर, यस, तो रिएक्शन मिक्सचर अब इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अब बेटा मैं इसकी पहले एक्सप्लेनेशन लिखता हूं और फिर आप लोगों से ही पूछूंगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई है या नहीं, और आप इसको बेटा लिखेंगे साथ में। लिखिए जरा सब बच्चे, अब अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम The position of equilibrium will move in such a way as to counteract the change. बेटा इस चेंज को ना अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, ये जो आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है रिएक्शन मिक्सचर इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा, राइट जी? अच्छा अब कैसे करेगा जरा उस पर आते हैं जी। दैट मीन्स दैट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको लिखेंगे साथ साथ, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव सो दैट
प्रेशर इज रिड्यूस्ड अगेन, मतलब बेटा आपने जो प्रेशर इंक्रीज किया है रिएक्शन उस प्रेशर को दोबारा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है जी। अब मजीद एक्सप्लेनेशन मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ लिखते जाएं बेटा, कि प्रेशर असल में होता किस वजह से है, ये भी मैं लिख रहा हूं कि प्रेशर इज कॉज्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स हिटिंग द साइड्स ऑफ देयर कंटेनर। बेटा कि जो मतलब प्रेशर होता है ना, ये जो कुलियन है उसकी वजह से होता है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया आप कहते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल किस फोर्स से हिट कर रहा है। अच्छा, ऊपर मैं ये बात लिख चुका हूं, फिर लिख रहा हूं, मोर मॉलिक्यूल्स यू हैव इन द कंटेनर, मोर मॉलिक्यूल्स यू हैव इन द कंटेनर द हायर द प्रेशर विल बी, हायर द। बेटा इसको एक दफा लाजमी लिखिएगा, ठीक है। इसको ये मत समझिएगा कि ये जी हमें आता है, लिखने की जरूरत ही नहीं, ये इस एक्सप्लेनेशन से आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये लाइन अब मैं जो लिख रहा हूं ये इससे भी इंपॉर्टेंट है, द सिस्टम। सही, जरा जूम आउट करेंगे जरा सा, ठीक है बेटा। द सिस्टम कैन रिड्यूस द प्रेशर बाय रिएक्टिंग इट इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस फ्यूअर मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ये लाइन जो है ना, जो मैंने ग्रीन कलर से लिखी है, जरा इसको आप लोग ध्यान से सुने। वो कह रहा है कि जब भी सिस्टम ने अपना प्रेशर रिड्यूस करना होगा तो उसको क्या करना होगा बेटा, ज्यादा मॉलिक्यूल की तरफ जाना होगा या कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना होगा? कम मॉलिक्यूल सर, कम मॉलिक्यूल्स की तरफ, क्योंकि जब आप कम मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो भी ज्यादा हो जाएगा। बेटा अब मैं लास्ट जो है लाइन लिख रहा हूं, फिर उसके बाद ये इसके हम फाइनल स्टेटमेंट देंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा ये जो रिएक्शन है ना, टू मोल्स ऑफ, जो रिएक्शन है हमारे पास यहां पर, वन मोल ऑफ ए प्लस टू मोल्स ऑफ बी, इट गिव्स वन मोल ऑफ सी एंड वन मोल ऑफ डी। ये सब गैसेस में है, ये जो रिएक्शन है, इन अबव रिएक्शन, इन अबव रिएक्शन देयर आर थ्री मॉलिक्यूल्स। आप मोल्स भी कह सकते हैं बेटा इनको, देखें वन मोल ऑफ ए और टू मोल ऑफ बी, इनको मॉलिक्यूल से भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ए टू मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो वो कह रहे हैं देर आर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एंड बट टू मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट by forming it's 10 o'clock more C and D, the system causes the pressure to reduce। अब बेटा लास्ट चीज है, बस ये देखें इधर, ये आपके पास बेटा एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर आप देखें कि जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसमें तीन मॉलिक्यूल्स हैं, वन मोल ऑफ ए एंड टू मोल ऑफ बी, टोटल मॉलिक्यूल्स तीन हैं। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट वाली साइड को देखें बेटा तो यहां पर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दो हैं, ठीक है। यहां तीन मॉलिक्यूल है, यहां दो। अब मुझे ये बताएं बेटा, अब लिखना छोड़ दें एक मिनट के लिए, अब लिखना छोड़ दें, उस मुझे ये बताएं इस रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्शन
सी और डी बना रहा होता है जी, अगर रिएक्शन सपोज सी और डी बना रहा है, तो मुझे ये बताएं कि रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर रिएक्शन सी और डी बनाएगा तो प्रेशर को बताएं कि प्रेशर क्या होगा सिस्टम का, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जी बेटा, हेलो हेलो सर, अभी आपने क्या कहा था? बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी आप एक मिनट के लिए लिखना छोड़ देंगे सब बच्चे, ये एक रिएक्शन है जी आपके पास, और बेटा इस रिएक्शन में ए और बी सी और डी बनाकर दे रहे हैं आपको, सी और डी बन रहा है सपोज, तो मुझे ये बताएं सी और डी बनने का क्या मतलब है कि प्रेशर अब सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये मुझे बताएं। डिक्रीज हो रहा सर। क्यों जी, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि गैस के मोल्स कम हो रहे हैं तो yes, अब देखें, बिल्कुल ठीक है। अब देखें अगर COD बन रहा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तीन से दो मॉलिक्यूल की तरफ आप जा रहे हैं, और जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो आपके रिएक्शन मिक्सचर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कोलिजन कम होगी और आपका प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसके ऑपोजिट बताएं जी, अगर ऐसे हो कि COD मिलकर ए और बी बनाना शुरू कर दें, COD मिलकर ए और बी बनाना शुरू कर दें, तो मुझे ये बताएं मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अब बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बेटा मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से कोलिजन क्या होगी? यस, तो बेटा अब मैं यहां पर फाइनल स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है, मैं यहां पर अब फाइनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये आप लोग अब लिख लीजिएगा बेटा फाइनल स्टेटमेंट कि ये जी आपका रिएक्शन था। अब जो मार्किंग स्कीम वाला आंसर है वो ये है जी जो मैं अब लिख रहा हूं कि इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस रिएक्शन, ऊपर तो एक्सप्लेनेशन थी ना, ये आप मार्किंग स्कीम वाला आंसर अब लिखेंगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन अ गैस रिएक्शन शिफ्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम towards the side with fewer molecules so position of equilibrium moves to the right moves to the right। जी बेटा मुझे ये बताइएगा कि ये किसको समझ नहीं आई बात, जी बेटा मुझे बताइएगा ये बात किसको समझ नहीं आई जी, या क्लियर हो गया तो मैं इसकी दो तीन एग्जांपल्स आपको करा दूं। टेम्परेचर आज नहीं करेंगे बेटा, टेम्परेचर आज करेंगे तो वो फिर बहुत मिक्स हो जाएंगे चीजें, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वो काफी डिटेल में मैंने कराना है, वो कल करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये प्रेशर वाली बात समझ आई है या नहीं, मैं एक दफा इसको फिर बताता हूँ, एक मिनट एक दफा फिर सुने। बेटा लिशैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप एक आपके पास रिएक्शन है जिसमें जो कि गैसेस के अंदर सारी चीज़ें हैं उसमें, और आप इस रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर चेंज करते हैं जी, चेंज करने से क्या मतलब है कि मैं कह देता हूँ जी प्रेशर मैंने इंक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू लिशैटलियर प्रिंसिपल जो ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इस चेंज को अपोज करेगा और इस इंक्रीज इन प्रेशर को दोबारा डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा वेयर द फ्योर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो देखें यहां पर जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस साइड पर शिफ्ट होगा जहां कम मॉलिक्यूल्स हैं। आप इक्वेशन में देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स या दो मोल्स, आप इनको मोल भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, कि दो मोल्स या दो मॉलिक्यूल्स आपके राइट हैंड साइड पर हैं और तीन मॉलिक्यूल्स बेटा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो रिएक्शन जो है अब प्रेशर को कम करना चाहता है, तो कम करने के लिए रिएक्शन उधर मूव करेगा जहां पर कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब बेटा इसके ऑपोजिट बात करते हैं जी, इसके ऑपोजिट अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूं फिर क्या होगा? कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर दे, शाबाश जी, कोई एक बच्चा कि अगर पूरा उसने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू लिशैटलियर प्रिंसिपल। बेटा मैंने इस सिस्टम के ऊपर ये मैं यहां इक्वेशन फिर लिख रहा हूं, यही वाली इक्वेशन,
और बेटा इस रिएक्शन मिक्सचर पर मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जी। शाबाश, बताएं अब कोई एक स्टूडेंट बोल दे जी, डिटेल से बताएगा कि प्रेशर को डिक्रीज करने से क्या होगा अकॉर्डिंग टू लिशैटलियर्स प्रिंसिपल। अब बेटा अगर इस तरह भी बताएं ना कि जो ही मैंने प्रेशर चेंज किया तो लिशैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन क्या करेगा उस चेंज को? अपोज करेगा। मैंने क्या किया जी, मैंने इस तरह किया है कि बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, मैंने प्रेशर कम किया है तो रिएक्शन मिक्सर बेटा इस प्रेशर को क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन को उस डायरेक्शन मूव करेगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। यस, तो बेटा यहां पर मैं जल्दी से इसको भी लिख देता हूं, इसके ऑपोजिट जो है कि बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर क्या होगा, तो आप इसको लिख लें कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा वो मूव्स टू द लेफ्ट साइड वेयर द मोर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है बेटा। अब बेटा कल की क्लास में, कल की क्लास